SONAR, Sound Navigation and Ranging. SONAR. यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक प्रेषित ट्रांसमीटर एवं एक संसूचक रिसीवर होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र 13 के अनुसार लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है और उसे प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दी जाती है। प्रेषण और संसूचन के बीच समय अंतराल ज्ञात कर पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। माना कि पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अधिग्रहण में लगा समय अंतराल टी है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल वी है, अतः संकेत द्वारा तय की गई कुल दूरी 2D होगी। डी दूरी जाना एवं डी दूरी आना। समय बराबर दूरी बटे चाल, टी इज इक्वल टू 2D/V, अतः गहराई डी इज इक्वल टू VT/2। चित्र क्रमांक 13, सोनार, SONAR। सोनार, सोनार का अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर जल में स्थित अवरोधक पिंड की दूरी, दिशा तथा चाल का मापन करती है ताकि जहाज द्वारा संभावित खतरों की पहचान कर उनसे बचाव किया जा सके। आइए देखें यह कैसे कार्य करता है। सोनार में एक प्रेषित्र अर्थात ट्रांसमीटर और एक संसूचक अर्थात रिसीवर होता है जो जहाज की निचली सतह पर लगाया जाता है। ट्रांसमीटर पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और उसे भेजता है। ये तरंगे जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। इन परावर्तित तरंगों को रिसीवर द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक कंप्यूटर उस अवरोधक पिंड का चित्र बनाता है और उसे मॉनिटर पर दिखाता है। वह उस पिंड की दूरी की गणना भी करता है, जिसके लिए सूत्र दूरी बराबर चाल गुणित समय बटे 2 का उपयोग करता है, जहां खारे पानी में ध्वनि की चाल बराबर 1530 मीटर प्रति सेकंड है। सभी जहाजों में सोनार युक्ति लगी होती है जिससे समुद्र की गहराई का मापन एवं जल में स्थित पहाड़ियों, घाटियों, सबमरीन्स, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों का पता लगाया जा सकता है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव किया जा सके।